यार आज समाज का पुनर्वास की व्यवस्था हो, सरकार इनको कम से कम 20 बीघा ज्यादा जमीन यहाँ पर दे। बंजारा समाज को 20 बीघा से ज्यादा जमीन वहाँ पे देके दो तीन जगह, और जिस तरह सामड़ाऊ के अंदर पैकेज दिया था उसमें प्रत्येक घर के अंदर जो नुकसान हुआ, सामानों का सामान जो थोड़ा नुकसान हुआ, गाड़ियों का हुआ, वो सारा पैसा सामड़ाऊ के अंदर राजस्थान की सरकार ने दिया था, और उसमें MP MLA के कोटे के पैसे भी लिए थे, बाकी पैसा सरकार ने दिया था। मैंने सरकार को ये कह दिया कि 1 करोड़ रुपये मैं मेरे सांसद कोष से दे दूँगा, 10-10, 15-15 लाख हमारे सारे विधायक देंगे, 2-2.5 करोड़ रुपये आप हमसे इकट्ठा कर लो MLA MP से, और 2-2.5 करोड़ सरकार देके कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए, 40-50 जो मकान टूटे इनको 10 से लेके 15 लाख से लेके आप इनको रुपए दो, ताकि इनका पुनर्वास हो। ये जो इतने डर गए ये लोग, इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। ये सामड़ाव के अंदर जो विशेष पैकेज था उस पैकेज की हमारी मांग है। यहाँ दूसरी जो 302 का झूठा मुकदमा हमारे विधायकों में दर्ज किया, उसकी CIB या SIT से जाँच हो। और तीसरा 2 मुकदमे जो STM के खिलाफ, एक हमारे दोनों विधायकों ने और एक कल जो बच्चा सदमे से मौत हो गई थी जिस बच्चे की, वो FIR भी हमने दे दी, उसको भी इन्होंने दर्ज किया वहाँ पे। इन दोनों FIR की कॉपी हमें ला के 3 कलेक्टर SP STM और SC ST सेल का CO चारों को तुरंत प्रभाव से हटाए, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये प्रमुख मांगे हमने यहाँ पर रखी है। आज ये सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने अपने साधनों से इतनी गर्मी के अंदर हजारों की तादाद में 11 बजे से इकट्ठे हो गए। आज इस आंदोलन की अगली रणनीति, एक बार प्रशासन के लोग क्या बातचीत करते हैं, क्या मसौदा लेके आते हैं, अगर हमें पसंद आया तो बात रखेंगे, नहीं आया तो ये आंदोलन और तेज होगा, पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा। आवश्यकता पड़ी तो इससे बड़ी बड़ी और सभाएं और रैलियां ना राजस्थान के अंदर करके, जब तक बंजारा समाज को SBC के मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सांसद हनुमान बेनीवाल, नागौर, मकराना, हमारे मेड़ता और गोपालगढ़ के विधायक भाई, जिला अध्यक्ष जी और MP साहब, सब बार हम सब की एक ही मंशा है। मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा, आपकी भी मंशा है कि इनको खुले आकाश के नीचे, छत के जो आप खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घट जाए। ये तो अगर 2-3 दिन इनको आप नहीं संभालते तो सामूहिक आत्महत्या करने की बात करने लगे थे। अगर आज़ादी के 70 साल बाद हम हमारे भाइयों को बसा नहीं सकते, कौन सी सरकार है? संवेदनशीलता तो जब होती जब कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस के नेता और वो जो कांग्रेस की नेत्री और अभिनेत्री जो वो आके दौरा करती ढाणी के अंदर, और हरीशजीत चौधरी को मैंने 2-3 बार का, उनको विशेष पैकेज लेकर आना चाहिए। और अगर जो भी विशेष पैकेज लाएगा हम उसको धन्यवाद भी कर देंगे, हमारा कोई झगड़ा थोड़ी सरकार से। अगर जो बंजारा समाज की मांगे मानेगा, जो इसमें हमारी मदद करेगा, ये एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन गरीब को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का आंदोलन है। इनका कोई MLA MP राजस्थान के अंदर नहीं है, लेकिन हम सब इनके MLA MP है, सब इनके लिए लड़ेंगे। राजनीति से ऊपर उठ के हम इन बंजारा समाज को न्याय दिलाएंगे। नागौर से मैं चाहता हूँ ऐसी इबादत लिखी जाए कि नागौर से एक इबादत लिखी जाए, जिस तरह पंचायत राज की शुरुआत यहाँ हुई, नागौर में बंजारों के पुनर्वास की व्यवस्था के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बंजारा जाति SBC OBC SC ST के लोग बसे हैं, और जो भूमिहीन है इनके घरों के पट्टे भी सरकार जारी करे, बड़ी कार्य योजना सरकार लेके आए। अभी हम आंदोलन की अगली रणनीति यही मंच से तय करेंगे, अब क्या करना हमारे अभी तय करेंगे 10-15-20। और बाकी जो कांग्रेस के 3-4 हैं उनसे भी बात कर लेंगे। इस मानवीय दृष्टिकोण के लिए जहाँ मानवता तार तार हुई है, इसमें सांसद विधायक भी पैसा देंगे, नियम सरकार बदल ले, कुछ पैसा सरकार देके और अच्छे भवन इनके लिए बनाए, सुख सुविधाएं युक्त भवन बनाए, ये हमारी प्रमुख मांग है, पुनर्वास और इनको न्याय। और बाकी ये मुद्दे जिन अधिकारियों की वजह लापरवाही वजह घटना घटित हुई उनको दंडात्मक कार्रवाई मिली। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमाकांत जी शर्मा, पाली प्रधान सरल कुमार जी बंजारा, बेटी चंद जी साकला, नागौर विधायक कुंवर राम जी, मकरना विधायक रूपा राम जी मरोपिया और दूर दराज से पधारे हुए किसान भाइयों और पूरे राजस्थान ही नहीं, और जो गर्मी के वो छाया में खड़े हुआ जो कुछ इधर उधर चेंज होते रहो जो ठीक रहेगा मामला ना। आज खाली हम ज्ञापन देने और यह प्रशासन का सहयोग करने नहीं आए, आज हम हमारी मांगे राजस्थान की सरकार से मना के यहाँ से उठेंगे, इस बात को तय आपको करना है। बाकी है लंबे भाषण भी चल करेंगे, रात में यह होगी, अगला क्या पड़ाव होगा, किधर हम जाएंगे, हाईवे की तरफ जाएंगे, किस साइड में जाएंगे,